गाया है गाना आपने तो? मैं अल्ताफ सैयद, म्यूजिक कंपोजर सिंगर। ये जो गाना है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक गाना है। वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ करने का हमारा प्लान है और इसी मंथ में हम शूट करेंगे इसको। इश्क वाली बारिश के बाद एक कोई और उससे तगड़ा गाना कुछ आना बहुत ज़रूरी था प्यार करने वालों के लिए। तो हमने सोचा कि वैलेंटाइन डे सबसे अच्छा डे है तो एक अच्छे रोमांटिक सॉन्ग हम रिलीज़ करें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है पढ़ने दे, जिसको जमील भाई ने लिखा है और मैंने कंपोज किया और मैं गा रहा हूँ उसको, और जावेद भाई, मोहम्मद जावेद भाई इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल साथ में एक्ट्रेस इस गाने पर है। तो होप सब पब्लिक को, सबको इश्क वाली बारिश से ज़्यादा इसको प्यार दे या और ज़्यादा प्यार की बरसात इस सॉन्ग पे करे, बस यही उम्मीद करते हैं। जैसे आपने कंपोज किया था इश्क वाली बारिश, बहुत हिट हुआ है गाना, 7 दिन में 1 मिलियन व्यू है, तो इससे कितनी उम्मीद रख सकते हैं हम? जैसे कि वो हाँ उसको सराहा भी गया है बहुत उस गाने। हाँ जी, हाँ जी, स्नेहा जी ने उसमें एक्ट किया है, अच्छा गाना देखा है, तो इस गाने से कितनी उम्मीद रख सकते हैं? इस गाने से तो और ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं आप, क्योंकि ये गाना बहुत ही दिल के करीब है मेरे। ये गाना बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा हुआ है और इसको गाया भी बहुत दिल से मैंने। तो हो सकता है पब्लिक को उससे ज़्यादा ये गाना पसंद आए और जितना प्यार मिले हम आभारी रहेंगे उस पब्लिक के। लिखना कितना अहम है गाने को, कितने अच्छे उतने वर्ड होने चाहिए एक अच्छा गाना हिट कराने के लिए आपकी नज़र में? मैं तो मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट लिखना ही है किसी भी सॉन्ग में। अगर अल्फाज गाने के अच्छे नहीं होंगे, दिल को टच नहीं करेंगे, आप गाना कितना भी अच्छा बना दो वो दिल तक नहीं पहुंचेगा, वो सिर्फ दिमाग तक पहुंचेगा। धुन, गाने की अगर धुन अच्छी है तो आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है गाना अच्छा है, लेकिन वो दिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं तो मानता हूँ अल्फाज गाने के सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद सब चीज़ें आती। इस गाने के बारे में जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा सुना भी दें और गाने को कंपोज कैसे कर रहे हैं, आप कैसे गा रहे हैं? इस गाने की थोड़ी सी लाइन में सुना देता हूँ, बाकी पूरा गाना एक पूरा बनने के बाद आपको सरप्राइज के लिए हमने सस्पेंस के लिए रखा है हमने, पर थोड़ा सा लाइन सुनाया तुम। तुझसे है मेरी गुजारिश, पूरी होने दे हर ख्वाहिश, बरसों से मैं प्यासा हूं, कर दे मुझ पे प्यार की बारिश। तुझसे है मेरी गुजारिश, पूरी होने दे हर ख्वाहिश, बरसों से मैं प्यासा हूं, कर दे मुझ पे प्यार की बारिश। बस बाकी गाना मैं फुल सुनाना चाहता हूँ, अभी पूरा खोलना नहीं चाहता सॉन्ग को। आप जानना चाहेंगे पहले नाम और उसके बाद इस गाने पे आप एक्ट करेंगे तो कैसा? मेरा नाम कीर्ति चंडेला है और ये मेरे लिए 2018 का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अल्ताफ जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये गाना गाया है। इनका जो पहले वाला गाना है इश्क वाली बारिश, जो सुपर हिट हो चुका है इतने ही कम टाइम में, आई एम श्योर ये गाना भी सुपर हिट होने वाला है 2018 का। दैट्स इट। मतलब आपने तैयारी क्या की हुई है इस गाने को लेके, कितना एक्साइटेड हैं जानना चाहेंगे? मुझे ऑल ऑफ सडन ये सॉन्ग मिला, मुझे आप मानेंगे नहीं कि 2 दिन पहले ही ये गाना मैंने सुना है और सुनने के साथ ही मैंने बोला ये गाना मुझे करना है। सो मेरी मीटिंग हुई और दैट्स इट, टुडे आई एम हियर। 2017 में बहुत हिट गाना दिया है उन्होंने इश्क़ वाली बारिश, और 2018 में आप हैं उनके साथ गाने में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि स्नेहा जी ने उनके साथ गाना किया 2017 में, एंड 2018 का इससे ब्यूटीफुल स्टार्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, फुल प्रिपेयर्ड हूँ, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली रोमांटिक सॉन्ग। तो एक रोमांटिक से स्टार्ट करना 2018 का, आई थिंक इट्स क्वाइट लकी इनफ। आपकी नज़र में डायरेक्टर और राइटर की कितनी अहमियत है गाने को लेकर पूछा जाए? इस गाने की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है राइटर के लिए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक एक वर्ड लिखा है जिसको हम फील कर सकते हैं, उनके बिना ये गाना बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होता। बाकी डायरेक्टर जी कितना ब्यूटीफुली ये गाना दिखाएंगे, जिस तरीके से इश्क वाली बारिश को दिखाया है, तो उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा येस आई वॉन्ट यू नो वर्क विद दिस डायरेक्टर, एंड आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बिग वे में उसका प्रमोशन होने वाला है और हम कर रहे हैं। और भी प्रोजेक्ट आने वाला है? एज ऑफ नाउ दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ 2018, अभी इसी पे काम कर रहे हैं। लेटेस्ट मैंने 2017 में मिका जी के साथ गाना किया,
सोनी है, मिका जी एंड दलेर मेहंदी जी, आफ्टर 10 ईयर्स दे केम टुगेदर इन दैट सॉन्ग, सो इट बिकेम यू नो वेरी बिग ऑल ऑफ सडन. सो आई एम श्योर ये भी सुपर हिट होने वाला है. दैट्स इट. बेसिकली मैं हिंदी या पंजाबी म्यूजिक वीडियो ही करता हूँ. सो लकीली अभी पिछले कुछ दिनों से जावेद भाई और हम लोग टच में थे, एंड बिकॉज ऑफ अल्ताफ भाई बहुत अच्छा सा गाना हम लोग ने जीरो डाउन किया है. और बेसिकली गाने की पता है खासियत क्या है, इतनी उर्दू में रुबाइयत होती है, वो जो एक ना रोमांटिक था सेंस होता है. जैसे आप देखते हैं कि महेश भट्ट की जो फिल्में होती हैं उनका पहचान एक म्यूजिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर होता है. तो जो हमारा सॉन्ग है जो प्लान किया है बहुत अच्छा लिखे हैं, बहुत अच्छे बोल हैं. एंड बात करें तैयारी की तो पूरा जो हमारा ब्रेकडाउन हम ऐसा करेंगे कि गाने से जस्टिफाई हो, गाने के जो बोल हैं उसमें नेचर का फील भी है ना, उसमें थोड़ा लव का फील भी है. तो जिस हिसाब से गाने की डिमांड है हम पूरी कोशिश करेंगे जस्टिफाई करें ताकि अच्छे लेवल पे हमारा काम रिलीज हो, लोग तारीफ करें और एक अच्छी कंपनी हमें प्लेटफॉर्म दे हमारे काम को. इरादा कहाँ है शूट करने का? बेसिकली काफ़ी लोकेशन देखी है पर अभी मुंबई के कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं. इसके अलावा जो गाने के हिसाब से जैसे कोई नेचर है ना, वो हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं. तो बेसिकली सम अराउंड इन मुंबई और बीच में कर प्लान कर लेंगे. अभी वो वर्किंग प्रोसेस चल रही है. जैसे कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको किस तरह से डिजाइन करेंगे आप गाने में? देखिए जो गाने का फील है इट्स ए रोमांस बेसिकली, जिसका जो लड़का है जो लड़की है इन दोनों के बीच में एक ना जो एक उसे क्या बोलते हैं एक इन्फेक्चुएशन जो होता है, मतलब टकरार भी होता है, प्यार भी होता है और एक दूसरे के प्रति जो एक जो सोलफुल लव होता है वही हमारे गाने का बेस है. हम इसी को बेस बना के अच्छे से खूबसूरत जगह पे खूबसूरत तरीके से शूट करने का प्लान कर रहे हैं. कब तक ये दर्शकों को सुनने को गाना मिल जाए? जैसा कि अल्ताफ भाई ने कमिट किया है कि हम लोग पूरी तैयारी में हैं एंड होप सो जो अगला वैलेंटाइन आने वाला है इस साल का उससे पहले हम ये गाना अच्छे लेवल पे रिलीज कर पाए, ताकि प्यार से वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन में हमारी तरफ से हमारी टीम की तरफ से एक अच्छा गिफ्ट एक अच्छे लेवल पे रिलीज में आप देखेंगे. अच्छा इस गाने की एक स्पेशल खास बात बताना चाहता हूँ. जब इसको जमील भाई ने लिख के दिए थे, जावेद भाई ने मुझे दिए थे, भेजा था कि अच्छे जमील भाई ने इस सॉन्ग लिखा है, तो जब वो सॉन्ग मैंने पढ़ा तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको गाया. मतलब इस ये कंपोज ऐसे हुआ, इसके कंपोज करना नहीं पड़ा इस सॉन्ग को मुझे, ये सॉन्ग कंपोज हो गया. मतलब ये स्पेशल, मतलब लिखने में कितनी पावर है आप देखिए. मतलब वो अल्फाज इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत अल्फाज थे कि उन अल्फाज को मैंने पढ़ा नहीं. फर्स्ट टाइम जब मैं उस अल्फाज को देखा तो मैंने उसको गाया, वो सिर्फ गाना उसी वक्त बन गया. मैं बात भूल गया था कि इश्क वाली बारिश में जो बारिश थी वो कहीं दिखाई नहीं थी उस गाने में, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ मेरा भी ये क्वेश्चन आने वाला था. हाँ इसमें इसमें बहुत बारिश, इसमें बहुत बारिश थी, इसमें प्यार की बारिश है, इसमें बहुत बारिश थी. इसमें उसमें बारिश क्यों नहीं थी गाने? एक्चुअली उस गाने से मैं तो एसोसिएट नहीं था, बट बारिश का सेंस, बारिश के बहुत से सिनोनिम्स होते हैं. अगर बारिश एक नेचर का भी है एक्चुअली इश्क वाली बारिश में था, इश्क वाली बारिश मुझ पर बरसा दो, तो बारिश बरसा दो, बारिश हो नहीं रही है वो मांग रहा है, वो बोल रहा है बारिश बरसा दो मुझ पर, तो इसलिए बारिश की उसमें जरूरत नहीं थी. एक बात कहने के तरीके होते हैं, तो प्यार का सेंस उसमें मतलब दूसरे तरीके से विदाउट बारिश में भी किया गया होगा. आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे और कौन-कौन से प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं? बेसिकली मैं कुछ म्यूजिक वीडियो भी लाइनअप्स हैं हमारे अच्छे लेवल पे जो बात हो रही है, प्लस एक दो फिल्में हैं जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, एंड फिलहाल एक इंग्लिश जर्मन इंडो जर्मन फिल्म भी प्लान हो रही है. बेसिकली अभी म्यूजिक वीडियो का के दौर सा भी आ गया है और एक अपने काम को एक जल्दी से जल्दी एक अच्छे लेवल पे, अगर आपने अच्छा आपके बोल अच्छे हैं आपका वीडियो अच्छा है तो एक फेमस होने का एक रिस्पेक्टेड जगह पे जाने का म्यूजिक वीडियो व्हाट आई फील कि सबसे आसान और रिस्पेक्टेड वे है. थैंक यू.